एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं साइमा खलील। हम जो चिकन मोमोज बना रहे हैं उसके लिए जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक प्याली मैदा है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास बारीक कटे हुए थोड़े से प्याज हैं, बारीक कटी हुई बंद गोभी है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है, और 1.5 पाव के करीब मेरे पास कीमा है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास है 1/4 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर है, 1/2 टीस्पून नमक है, और 1 टेबलस्पून मेरे पास है चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून शुगर है, ठीक है, और 1/2 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च पीसी हुई है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई, ठीक है, और यहाँ पर 1/4 टीस्पून जीरा है, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर है, ठीक है, और यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्च है, ठीक है। बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इस बाउल में सारी सब्जियाँ डाल दूँगी, ठीक है, और इनको हम खुशबू मसाले लगा देंगे, ठीक है, सब्जियों को, नमक, लाल मिर्च कुटी हुई पीसी हुई, ठीक है, और जीरा धनिया पाउडर, क्योंकि इनकी वजह यह है कि इनको अभी जो है ये लगाने के बाद उनमें से थोड़ा सा पानी निकलेगा, जो हमारी सब्जियां हैं ये पानी छोड़ती हैं नमक लगाने के बाद, तो वो पानी हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए। चलिए तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। ये जो हमारे पास एक प्याली आटा है इसको हम बॉल में डालते हैं, इसमें सॉरी परात में डालते हैं और इसको हम गूंद लेते हैं। चलिए यहाँ पर 1/4 टीस्पून में नमक डाल दूँगी इसमें, और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी, ठीक है। आटे को हमें पूरी के आटे की तरह गूंदना है, ठीक है, थोड़ा सख्त रख के गूंदना है, बहुत सॉफ्ट नहीं गूंदना है, ठीक है। चलिए आटे को मैं इस बॉल में डाल दूंगी क्योंकि मैंने इसको 30 से 40 मिनट का स्टे देना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्लास्टिक शीट के साथ कवर कर देंगे। पानी में छोड़ लेती हूँ, ठीक है, इसमें कपड़े में डाल के छोड़ लेंगे। इनको वापस इसी बॉल में डाल देंगे, ठीक है, इससे निकाला है। चलिए अभी मैं इसमें कीमा भी डाल दूंगी, ठीक है, कीमा थोड़ा बारीक पीसा हुआ होना चाहिए हमारा जो है, और बाकी के स्पाइसेस भी हम डाल देंगे इसमें, सोया सॉस, चिली सॉस डाल देंगे, ठीक है। चीनी और हरी मिर्ची डाल देंगे। अच्छा, जो मसाले हैं स्पाइसेस जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाने के आदी हैं, इसलिए मैंने थोड़े मसाले ज़्यादा और चिली सॉस भी डाला कि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए, क्योंकि हमने इसका पानी भी निकाल दिया ना तो थोड़ा फीका फीका हो जाएगा कुछ ज़्यादा ही, तो मैंने इसलिए इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड की है, ठीक है। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने नहीं डाला क्योंकि वो कच्चा रह जाता है, वो फ्राई किए बगैर उसकी स्मेल नहीं जाती है, इसको हमने फ्राई तो करना नहीं है, ठीक है, इसको स्टीम करना है, तो फिर उसकी जो स्मेल है वो रह जाती है, ठीक है। इसमें जो हमने कीमा दोबारा ऐड किया है उसको थोड़ा सा मैं हाथ के साथ सब्जियों के साथ मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, इसको भी हम ढक के रख देते हैं जब तक हमारा आटे को जो है 40 मिनट्स हो जाए। चलिए इसको कवर कर दिया है। चलिए आटे को थोड़ा सा जो है इस तरह से मसल लेते हैं, दफा से, ठीक है। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे इस तरह से, बिल्कुल ही छोटे साइज के, ठीक है, साइज के पेड़े बना के रख लेंगे। चलिए यहाँ पर मेरे पास 12 पेड़े तैयार हो गए हैं, ठीक है, इनको मैं रैपर से कवर करके प्लास्टिक रैपर से फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ऊपर से ड्राई भी ना हो और पतले भी ना हो, ठीक है, तो बाकी के पेड़े तैयार कर लेते हैं। चलिए जी, तो 4 पेड़े हमारे पास पहले तैयार हो गए हैं और ये एक छोटा सा पेड़ा है। चलेंगे तो इसकी हम अब रोटी बेल लेते हैं, ठीक है, एक पतली सी रोटी बेलेंगे, शकाटा लगाएंगे और इसको चलिए इतनी पतली सी रोटी इसकी बेल लेनी है, ठीक है, और इसके अंदर अब हम स्टफिंग भरेंगे, ठीक है, बहुत ही पतली बेलनी है ताकि हमारी जो बना लेंगे करके
तरह से पकड़ेंगे इस तरह से, ठीक है, दोनों साइडों से। और इसको जो है इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे, चुनट्स डाल देंगे, ठीक है, इस तरह से करके, इस तरह से। और सारे नट्स हम डालते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा घुमा के। इस तरह की साड़ी हमने तैयार करनी है, ठीक है। चलिए ये वाली भी इसी तरह तैयार कर लेते हैं साड़ी, ठीक है। मैंने फ्रिज में रखी थी। तो यहाँ पर हमारी सारी मोमोज जो है फिलिंग हो गई है, रेडी हैं, ठीक है। अब इनको स्टीम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मेरे पास एक स्टीमर है, इसमें मैंने पानी भर लिया है, ठीक है। ये देखिए पानी जितना मुझे चाहिए था इतना मैंने भर लिया है, ठीक है। और अभी इसमें जो हम इनकी जो जालियाँ हैं इनके ऊपर करेंगे ऑयलिंग। पहले मैं इसको नीचे वाली को ग्रीसी कर लूँगी, ठीक है, इस तरह से। रखना शुरू करते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में भी ऑयलिंग कर लूंगी, ठीक है, इसको भी ग्रीसी कर लेंगे हम। इसके ऊपर सेट कर देते हैं इस तरह से, और बाकी की हम इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। इसको आप कवर कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, और इसको जो है बॉयल आने के बाद जैसे स्टीम बनना शुरू होगी तो उसके बाद मैं इसको 20 मिनट तक पकाऊंगी, ठीक है, स्टीम करेंगे हम इसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं 20 मिनट के बाद। चलिए जी तो यहाँ पर 20 मिनट हो गए, अभी हम ढक्कन उठा के देख लेते हैं हमारी मोमोज तैयार हुई हैं या नहीं, ठीक है। तो देखिए अच्छा सा इनका कलर चेंज हो गया और बहुत अच्छी सी तैयार हो गई हैं। अभी हम इनको निकाल लेते हैं, इनको निकाल के हम इस प्लेट पर रखते हैं। मैं पूरी नहीं आ रही थी तो तीन मैंने इसमें रख ली हैं, ठीक है। ये सारी बनकर तैयार हो गई हैं। आपने देखा है चिकन मोमोज बनने की रेसिपी जो है शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखी है। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आए तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।